हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल बीए टीवी में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, जब एक इंश्योरेंस एडवाइजर एक कस्टमर के साथ इंश्योरेंस सेलिंग के लिए बैठता है तो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को इंश्योरेंस एडवाइजर का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता है, वो उस कॉन्सेप्ट से कन्विंस नहीं होता है। तो ऐसे में इंश्योरेंस एडवाइजर को क्या करना चाहिए कि कस्टमर इंश्योरेंस लेने के लिए राजी हो जाए, जानना चाहते हैं। दरअसल ये बात कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जानकारी आपको इस कहानी में मिलेगी और ये कहानी हमें बताएंगे गोवा के एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंश्योरेंस एडवाइजर मिस्टर सुदेश कवलेकर। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीख देने वाली कहानी को। 2001 में जब मैं पहली बार MDRT हुआ था, तो मैंने उस जमाना जीवनश्री का चल रहा था, तो मैंने मेरे क्लाइंट को जीवनश्री दिया, तो उसने ही मेरे को और एक क्लाइंट को मेरे को रेफर किया और उसने बोला कि एक अच्छा बिजनेसमैन है, यंग है और उसको इंश्योरेंस की या कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो मैं उसका अपॉइंटमेंट लेके उनके पास पहुंचा और शुरू में हमने इधर उधर की बातें एक 10-15 मिनट, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था, तो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मैं ऐसा ऐसा हूं और उसके बारे में मैंने थोड़ा उनका जानकारी ले लिया और मुझे पता चला कि इज वेरी सिंसियर, हार्ड वर्किंग और एक दोस्त के नाते वो आगे रह सकता है, ऐसा मुझे पता चला। तो मैंने उसको इंश्योरेंस के लिए उसको बोला कि आपके फ्रेंड का मैंने जीवनश्री 5 लाख का किया है, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही आपको कुछ करने को बता दूं। तो मैंने पहले उसको कॉन्सेप्ट बताया, तो वो बोला कि नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट बता दो। तो मैंने पहले उसको कॉन्सेप्ट बताया कि समझो आपने आपका एक 25,000 आपका इनकम मंथली कितना है, तो वो बोला 25,000 रुपया। तो उस हिसाब से मैंने वो इनकम आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हो गए पर्सनल में, फैमिली में, बिजनेस री इन्वेस्टमेंट में या सोशल में, तो अगर आप है तो आप करेंगे, समझो आपको कल कुछ हो जाता है तो आप, दो बातें होती है, इनकम स्टॉप हो जाता है बट एक्सपेंसेस तो चालू रहते हैं, तो आप ये कहां से करेंगे। तो वो हंस के बोला कि मैं सही आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ। तो बोला, मैं बोला राइट पाथ माने, तो बोला आगे बताऊंगा, आप ऐसा कुछ बोलो कि मुझे ये आपका पता पसंद नहीं आया, आप ऐसा दूसरा कुछ बोलो। तो मैंने उसको 4C के बारे में बताया। तो 4C माने 1C इज फॉर क्रिएशन ऑफ इनकम, 2nd C इज फॉर कंजम्पशन ऑफ इनकम, 3rd C फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम एंड 4th C ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनकम। ये उसको मैंने डिटेल में बताया, बट वो फिर से हंसकर बोला, नहीं आई एम ऑन द राइट पाथ, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे ये नहीं आया तो मैं इंश्योरेंस नहीं करूंगा, तो मुझे ऐसा कुछ बता दो कि वो जो आपको मुझे पसंद आएगा और मैं आपको आप जो सोच रहे हैं मुझे ऐसा करना है तो मैं करूंगा। तो मैंने बाद में ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बाद में उनको बताया कि आप जैसा अभी बता रहे थे कि आपका मंथली इनकम इज 25,000, तो ईयरली इट बिकम्स 3 लाख रुपीज, और आप अभी 22 साल के हैं, तो आप जब 60 साल के जब होंगे तो देर इज ए गैप ऑफ नियरली 38 ईयर्स, तो अगर 3 लाख है और 38 ईयर्स का गैप है तो यू विल अर्न समथिंग 1,14,00,000 विदाउट टेकिंग इन्फ्लेशन। तो वो बोला सही है। तो मैं बोला अगर ये आप इनकम आपका इतना है 60 साल तक आपका अगर 1,14,00,000 रुपए इनकम है, वो 2001 साल का बात है, उस जमाने में वो बहुत बड़ा है। तो बोला, मैं उसको बोला अगर इतना इनकम आपका है तो समझो नेक्स्ट ईयर आपको कुछ हो जाता है तो हाउ मच इनकम योर फैमिली विल लूज। तो वो एकदम सोच में पड़ गया। तो मैं बोला, मैं उसको फिर से पूछा अगर आपको नेक्स्ट ईयर कुछ हो जाता है तो हाउ मच योर फैमिली विल लूज द इनकम। वो बोला कि 1,14,00,000 से 3 लाख बजा करो तो 1,11,00,000 रुपया, समझो 3 साल में अगर कुछ होता हो जाता है आपको तो हाउ मच योर फैमिली विल लूज योर इनकम। तो वो बोला कि कुछ 1 करोड़ के आसपास। तो मैं बोला अगर इतना लूज करते हैं तो व्हाई नॉट यू इंश्योर दैट अमाउंट। तो वो बोला हाँ ये सही है, मेरे को ये मेरे इनकम का इंश्योर करना है। तो मैं बोला उसको अगर आपको आपके इनकम का अगर आपको इंश्योर करना है तो आप ये इंश्योर ले लो, इंश्योरेंस ले लो।
तो वो उसको पता, वो उसको बात मान गई और उसी समय मैंने उसको 1 करोड़ का पॉलिसी दे दिया। पहली बार मैं फर्स्ट टाइम मैं उसके पास गया, पहली सीटिंग में ये सब करके मैंने उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस दे दिया। और वो उस समय टेबल 11 था, तो मेरे ख्याल से 85,000 कुछ उसका प्रीमियम था। और मैं वो चेक लेके प्रपोजल पे साइन करके उसका सब आगे का मेडिकल करने का उसको वादा अपॉइंटमेंट सब करके मैंने वो कर दिया। सो दिस वाज माय स्टोरी। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा, हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा, उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस एक साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो की टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कॉम्पिटिशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कॉम्पिटिशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।